बहुत अच्छे आगे आई है, हम आपके हाथ पे कैदत देते हैं, आपके पीछे चलने के लिए तैयार। लेकिन इस कारवां को रुकने नहीं देंगे, इस काफिले को रुकने नहीं देंगे। आप अगर नहीं आएंगे तो हम कमजोर हाथ वाले ही इसको चलाएंगे, ये जनता इसको चलाएगी, ये आवाम इसको चलाएंगे। इंशाल्लाह इस तहरीक को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। इंशाल्लाह बदगुमानी से, भ्रष्टाचार से और करप्शन से और बेईमानी से बचाना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आप देख रहे हैं कि इन नेताओं ने कितने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं कि हम उसको शुमार नहीं कर सकते। अभी जो मरकजी मिनिस्ट्री के अंदर जो राजा साहब ने घोटाला किया है, आप उसको अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ नहीं पाएंगे। 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, घोटाले पर घोटाला है, तमाम सरकारें तमाम। अब देश की जनता बेदार हो गई है, अब इन घोटालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन बेईमानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए था वो असेंबली के अंदर बैठे हुए, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। अभी हाल में बिहार का इलेक्शन हुआ है, लोग बहुत खुश हैं कि विकास की वजह से, तरक्की की वजह से वहां नीतीश कुमार को हिमायत मिली है और उनको कामयाबी मिली है। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, 243 MLA में से 141 दागी है, उनके ऊपर मुकदमा है और वो मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं, और 141 में 58 नीतीश कुमार की पार्टी के हैं और 58 बीजेपी के, और उन 141 में 10 जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमा है उसमें से 6 नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, 3 बीजेपी की है और 1 कांग्रेस का, सभी संभव में नंगे। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इस दलदल से इस मुल्क को निकालने के लिए एक ईमानदार क़यादत की जरूरत थी, एक ऐसी क़यादत की जरूरत थी जो ये कह सके कि हम सर को कटा सकते हैं लेकिन सर को झुका नहीं सकते हैं। वो क़यादत आपके सामने है। आप सब की तरफ से कौमी सदर की खिदमत में ये शेर पेश करता हूँ कि मेरी नजर में वही सर है सर जिसे आमिर, मेरी नजर में वही सर है सर जिसे आमिर, जमाना काट तो डाले मगर झुका न सके। आप मैसे तो आए कि हम बड़ा मकसद लेकर के उठे हैं, आप बहुत बड़ी तब्दीली चाहते हैं, आप हाथों की तब्दीली नहीं चाहते हैं, आप निजाम की तब्दीली चाहते हैं, आप काया को पलटना चाहते हैं, आप इंकलाब चाहते हैं, आप क्रांति चाहते हैं, तो जाहिर है कि इसके लिए कुर्बानी देनी होगी और मुझे खुशी है कि आप हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपके पढ़ते ही कदम के अपने नौजवानों को इस तंजीम का हरा अमल दस्ता समझता हूँ। लोग फप्तियां कसते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे ये नौजवान अच्छी तरह से आपको भी समझते हैं और जो लोग सियासत करते रहे उनको भी समझते हैं, और इन्होंने ये जान लिया है कि इस तहरीक के जरिए से एक नई तारीख लिखी जा रही है, और इस तारीख को अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारा नौजवान अपने लहू से लिखेगा, उसको कोई रोक नहीं। जलाले आतिशों मरको सहाब पैदा कर, अजल भी तार पूछे वो शबाब पैदा कर, तो इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो कोई इंकलाब पैदा कर। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, आजकल जो अखबार आपके तमाशे हो रहे हैं उसका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, लोग खुद उसका जवाब दे देंगे। असल जवाब यह है कि इस कारवां को और आगे बढ़ाइए। अभी पंचायत इलेक्शन में जो आपने काम किया था, अभी से आप असेंबली इलेक्शन की तैयारी कीजिए और इस बात को साबित कर दीजिए कि 2012 में यूपी के अंदर जो चुनाव होने वाला है, आज यहाँ आजमगढ़ की जिला पंचायत में हमारे जो महाप्रधान हैं उनके बगैर कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कल असेंबली का इलेक्शन होगा और ओलिया काउंसिल के बगैर इंशाल्लाह यहाँ कोई सरकार नहीं बनेगी। आप घबराइए मत, सब्र के साथ काम कीजिए, बर्दाश्त के साथ काम कीजिए, उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ताकत के साथ अपनी इस तहरीक को आगे बढ़ाइए और इस इंकलाब को जो कि बिल्कुल नविष्टा दीवार बन चुका है, उस इंकलाब को लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। एक एक घर तक, एक एक भाई तक अपने इस पैगाम को पहुंचाइए। जिस तेजी के साथ बिरादराने वतन हर तबके के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि आपसे तमाम मजलूमों और महरूमों को तवक्को है और उनको उम्मीद है, वरना ये मुमकिन नहीं था कि सत्ताधारी पार्टी के जीते हुए PDC, जीते हुए प्रधान, जीते हुए मेंबर, ये सब आपके साथ आ रहे हैं, इसलिए कि आपके अंदर उनको उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इस आगे बढ़ते हुए काफिले को रोकना इंशाल्लाह किसी के बस की बात नहीं है। आप बहुत ही इससे
करिए, तमाम लोगों को अपने साथ जोड़िए, हिंदू मुसलमान को एक साथ लेकर के एक नई तारीख लिखिए। और इस बात को याद रखिए कि अल्लाह ताला की ताईद के बगैर कुछ नहीं होता है। हम शुरू से ही जब से इस कारवां को लेकर चले हैं, हम सब लोगों का ये कहना है हमारी कोई हैसियत नहीं है, मौलाना आमिर साहब की कोई हैसियत नहीं है, मौलाना निजामुद्दीन साहब की कोई हैसियत नहीं है, मौलाना शहाब अख्तर साहब की कोई हैसियत नहीं है। अगर अल्लाह की ताईद ना हो और उसकी नुसरत ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। हमारे सर अल्लाह के हुजूर सर पर सजूद है और हमारा यकीन है कि जितना हम शुक्र करेंगे उतना ही अल्लाह ताला हमें देगा। बस इस शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि क्या गम है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, क्या गम है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है उसके सहारे पर।